तो उधर पकड़, पकड़ ले। ये वो है, ये कबूतर के अंदर कुत्ते की रुआ। कबूतर से डर? अरे हाथ से पकड़े कुछ नहीं होता, हाथ से पकड़े, ये ऐसे थोड़ी पकड़ेंगे, हाथ से पकड़े ना, फोटो आएगी इसमें। अरे भाई चोट नहीं करेगा ये। Assalamu alaikum, my name is Yunus Khan and channel to my welcome. एक और व्लॉग के साथ मैं सोच रहा था कि जैसे स्टार्ट किया भाई, दिस इज माय यू नो व्हाट डू यू से, डेकोरेशन है मेरी, ये तो चेंज की जाए या नहीं की जाए, ये चलने दी जाए, टेल मी प्लीज टेल मी। एंड मजे की बात ये है कि आई एम हाईली मोटिवेटेड, मैं मुझ में एनर्जी बहुत आई हुई है, मुझ में क्रेजी काम हो रहा है, अंदर ही अंदर कहीं काम हो रहा है क्रेजी। एंड लेट्स सी, आज आज बहुत इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज आज मैं जा रहा हूँ एक सेट पे, वहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं वो प्रोजेक्ट कैसा होता है, पूरी जर्नी दिन की लेके जाऊंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर मी, आई विल प्रे फॉर यू, गिव एंड टेक। मैं आ गया एक सेट पे और यहाँ पे कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं स्टार्स के, उनसे भी मिलवाएंगे और कोशिश है कि अच्छा हो, मजा आएगा। एक चीज है, हमेशा एक बंदा है कि आर्टिस्ट सोचता है कि उसका इंटरव्यू दिया जाए, जब एक आर्टिस्ट इंटरव्यू लेता है ना किसी और का, तो एक अंदर अपने आर्टिस्ट को मार देता है, लेकिन क्या करें, पैसा भी कमा रहा है, मजबूरी भी है। तो मेरे साथ मेरे लोग हैं, मेरा चाइनीज दोस्त भी है, मेरा चाइनीज दोस्त आया, बड़का तोड़वाएंगे, ये मेरा यूरोप से आए हैं मेरे दोस्त, इनको हम अता कहते हैं प्यार से। ये तुम कौन हो? ये नाइजीरियन लग रहा है, आप कौन हो? पूछा किसी ने? इनसे किसी ने पूछा, फिर भी बोले लेकिन बच्चा अच्छा, लेकिन ये दिस इज नॉट बुली, दिस इज बीइंग मेकिंग मतलब हैविंग फन विद द पीपल। मूवी का नाम बताया पहले? हाँ बताओ ना। आला आला वापस बोलना। आला आला जी जी। और अभी अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो RRR का डायरेक्टर है उसने सर्फ खा लिया है। एक और फरमाइश आई है, तो ये मेरे भाई आकिब इनसे जो पूछेंगे, कंगना रनावत मुझे लग रहा है कि आप एक्टिंग कर रहा है। अब किसके लिए जी रहे हम, अपने ही देते जख्म, अपनों ने की आंखें हैं नम, अपनों ने किए हम पे सितम, ख्वाबों में मची है भीड़, फकीर भी हो गए अमीर, शरीफ भी। क्या तो कबूतर क्यों लाए हो? कबूतर का मेकअप? में मची है भीड़, फकीर भी हो गए अमीर, शरीफ भी हो गए शरीर, सब भूल बैठे हैं अपना जमीर, अपना जमीर, क्यों वहशतें हैं सब पे छाई। मैं आ गया हूँ डिफेंस फेज वन में, पहले मैं था गुलिस्तान जौहर में। एक बात पूछनी थी आपसे कि जितना लाहौर है उतना कराची में गुलिस्तान जौहर है। मेरे मौला कर खैर, बुरी नजर से बचा मेरा शहर, यहाँ इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज। सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आया इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मैं ये करेक्टर प्ले कर रहा हूँ अरियान का, ठीक है, आप लोग देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। आप बोले प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्या चैनल का नाम? यूनुस खान द रॉक स्टार। यूनुस खान द रॉक स्टार, इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई। ख्वाबों की दुनिया में लिपटे हुए रात हो गई है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो आप अगर एक दिन भी आप अपने आप को टोपी बना देते हैं, यार कल कर लेंगे, फिर वो कल कभी नहीं आता। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अपने गोल सेट कर लिए हैं, तो दिन हो या रात हो, आपने टाइम नहीं देखा, आपने बस अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। क्या बात करता, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं। अभी खत्म कर दिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज की, रनिंग की, मूड नहीं हो रहा जिम जाने का, लेकिन जाना ज़रूरी है। जब सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा रही होती है ना, और तभी आप जब एफर्ट देते हो, दैट व्हाट मैटर्स। लेट्स सी, लेट्स सी, शायद मूड बदल जाए। मेरा चाइनीज दोस्त आज मुझे देखकर, मेरी बॉडी को देख के जल गया, इसने बोला मेरे को भी एडमिशन लेना है। तो याद लेगा, आज इसका फर्स्ट डे है, लेकिन मेरी कोशिश इसका लास्ट होना, ऐसे टफ एक्सरसाइज कराऊंगा कि कल जिम नहीं आएगा। शिल्पक जी बिल्कुल चल है बस, ठीक है, लेट्स सी। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है।
बहुत जख्म कैसी ये कश्मकश कैसे हुए सितम हाँ चाहते हुए भी अपने ना रहे हम रात के 3 बजे आप जब घर आते हैं तो आप कहते हैं बस मैं बेड पे गिरूं और सो जाऊं लेकिन नहीं एक्स्ट्रो भी जरूरी है एक्स्ट्रो क्या वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ मंजन तो बेचना है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं देखें जिंदगी बहुत छोटी सी है अगर आप उसको जीना चाहते हैं तो अभी जी लें क्योंकि आपको अगले पल का नहीं पता आपकी जिंदगी रहे ना रहे अल्लाह करे आप सबको लंबी उम्र अल्लाह नवाजे लेकिन मेरे लिए आई गेस के जो अभी है वही है कल का नहीं पता तो अगर मौका मिला है अपॉर्चुनिटी मिली है तो जस्ट ग्रैब इट बाय इट्स थ्रोट जी मतलब किसी का गला नहीं दबाना ये मैंने इंग्लिश में बोला जो मेरे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए कि अपॉर्चुनिटी को पकड़ो और अपॉर्चुनिटी कोई लड़की का नाम नहीं है अपॉर्चुनिटी जो है वो एक मौका है अपनी लाइफ में अगर मौका मिल रहा है पकड़ लो और आगे बढ़ो लेकिन शर्त यह है कि नियत साफ होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए कटो वक्त रेत से हाथ से फिसलता रहा दिन ब दिन मेरा दिल और बिखरता रहा करी काफी कोशिश इस हालत में रोज इस तरह कैसे गिर के संभलता रहा तक हारने के बावजूद